सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पहुंची हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने जन जागरण अभियान के तहत सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर हल्ला बोला और शहर में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम शहर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर बोलते हुए कहा कि आखिरकार हमारे अन्नदाता की जीत हुई और सरकार को हमारे अन्नदाता के सामने झुकना पड़ा। हमारे अन्नदाता ने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश की है कि चाहे कितने भी अत्याचार क्यों ना हो, वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए जिन परिवार के किसानों ने इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी इसी का फल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और जगह जगह हमारे लोग, कांग्रेस लोग बीच में, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुन रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बेलगाम बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में लोगों से चर्चा भी हो रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मैडम, आज घोषणा हुई है 3 कृषि कानून वापस लेने की, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज़्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई, लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफ़ी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे। 700 से अधिक जो किसान मजदूर जिनकी जान गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफ़ी मांगते तो बेहतर होता, अच्छा होता। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले दम से इन कृषि कानूनों का विरोध किया था, किसान ने, मजदूर ने विरोध किया था। आज ये उन किसान मजदूरों के आंदोलन के, उनके संयम का नतीजा।